नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि इनसाइडर। मैं हूं आपके साथ शुभांगी भट्ट। रुक करते हैं आज की मुख्य खबरों की ओर। मुख्यमंत्री ने जोशीमठ के भूदशाओं पर डीएम से मांगी विस्तृत रिपोर्ट, दिए अहम निर्देश। रेलवे की भूमि पर बसे 50,000 लोगों पर संकट, हरीश रावत ने सीएम धामी को लिखा पत्र। आईसीयू से प्राइवेट वार्ड में शिफ्ट किए गए ऋषभ पंत, लिगामेंट के इलाज के लिए बीसीसीआई ने लेगा निर्णय। रुद्रपुर में दिन दहाड़े चली ताबड़तोड़ गोलियां, दो भाइयों पर जानलेवा हमला। उत्तराखंड में कोरोना की दहशत शुरू, एक कोरोना संक्रमित मरीज की मौत की खबर। अब खबरें विस्तार से। जोशीमठ में हो रहे भूदशाओं के मामले में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चमोली के जिलाधिकारी से विशेषज्ञ कमेटी की विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। साथ ही निर्देश दिए हैं कि प्रभावित नागरिकों की यथासंभव मदद की जाए। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने रविवार को मुख्यमंत्री धामी से मुलाकात के बाद मीडिया से जानकारी साझा की। भट्ट के अनुसार मुख्यमंत्री ने आश्वस्त किया है कि रिपोर्ट मिलने पर बिना देरी के उचित कार्यवाही की जाएगी। हल्द्वानी की ढोलक बस्ती, वन भूलपुरा आदि स्थानों पर रेलवे की भूमि पर बसे लोगों को हटाने के मामले में पूर्व सीएम हरीश रावत ने सीएम पुष्कर सिंह धामी को सोशल मीडिया पर खुला पत्र लिखा। कहा, कानूनी पक्ष अपनी जगह सही है, लेकिन मानवीय पक्ष देखते हुए कोई बीच का रास्ता निकालना चाहिए। कहा कि कुछ लोग आज भले ही चुप हो, जब स्थितियां बिगड़ेंगी तो वो लोग भी सरकार के विवेक पर उंगली उठाएंगे। हरीश ने कहा कि वो न्यायिक निर्णय पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं, मगर राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पर आप यानी धामी एक अभिभावक का कर्तव्य निभा सकते हैं। वैसे बता दें कि नैनीताल हाईकोर्ट से राहत न मिलने के बाद हल्द्वानी वन भूलपुरा रेलवे भूमि प्रकरण सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है, जिसके बाद यहाँ के लोगों को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने की उम्मीद दी जगी है। क्रिकेटर ऋषभ पंत को लेकर राहत भरी खबर। डॉक्टर से मिली जानकारी के अनुसार ऋषभ पंत पहले से बेहतर है। बीती शाम पंत आईसीयू से वार्ड में आ गए हैं। ऋषभ पंत के पैर के लिगामेंट का इलाज कहां होगा, इसका निर्णय बीसीसीआई को लेना है। बता दें कि पंत से मिलने रविवार को दोपहर 2 बजे के करीब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मैक्स हॉस्पिटल पहुंचे थे। उन्होंने यहां पर डॉक्टरों से उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली थी। सीएम ने ऋषभ पंत की माँ सरोज पंत और बहन साक्षी से भी मुलाकात की थी। करीब 1 घंटे तक बातचीत कर परिजनों का हौसला बढ़ाया था। रुद्रपुर के पौश इलाके में सोमवार को दिन दहाड़े गोली चलने से दहशत फैल गई। बताया जा रहा है कि बाइक सवार एक युवक ने दो भाइयों पर गोली चला दी। हालांकि पहली गोली भाइयों की बाइक में लगी, जिससे वो बाल बाल बच गए। वही युवक का दूसरा फायर मिस हो गया। जानकारी के मुताबिक मामले में पुलिस घटनास्थल के नजदीक लगे सीसीटीवी खंगालने में लगी हुई है। एसएसपी डॉक्टर मंजुनाथ टीसी का कहना है कि आरोपी की तलाश के लिए पुलिस टीम को लगा दिया गया है। जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट के समक्ष पेश किया जाएगा। एक बुरी खबर, कोविड के नए वेरिएंट की दहशत के बीच उत्तराखंड में एक कोरोना संक्रमित मरीज की मौत हो गई है। वहीं राज्य में 3 नए कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए हैं। इसी के साथ राज्य में एक्टिव संक्रमितों की कुल संख्या 34 हो गई है। रविवार को मिले 3 संक्रमितों में 2 मरीज देहरादून और 1 मरीज नैनीताल में मिला है। वहीं एक संक्रमित की मौत देहरादून में हुई है। कोरोना से हुई मौत ने प्रदेश में डर का माहौल बना दिया है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत अपने अनोखे अंदाज के लिए प्रसिद्ध हैं। साथ ही पूर्व सीएम पहाड़ी व्यंजनों को बढ़ावा देने में भी पीछे नहीं रहते। एक बार फिर हरीश रावत ने पहाड़ी व्यंजनों के लिए अपना प्रेम जाहिर किया। सोमवार को हरीश रावत द्वारा स्थानीय उत्पाद व व्यंजनों को समर्पित मडवा वर्ष 2023 का आयोजन उनके आवास पर किया गया, जहाँ पहाड़ की प्रसिद्ध मडवे की रोटी से लेकर कंडाली के साग तक सभी प्रसिद्ध व्यंजनों की दावत रखी गई थी। इस दौरान रावत सभी को गुड़ मक्खन के साथ मडवे की रोटी खिलाते हुए नजर आए। उत्तराखंड में नए साल का स्वागत खूब धूमधाम से किया, लेकिन इस दौरान हुड़दंग की भी कुछ खबरें सामने आई हैं। जानकारी के अनुसार देहरादून में 3 आरोपियों ने रेस्टोरेंट में तोड़फोड़ कर दी, साथ ही रेस्टोरेंट संचालक की पीट पीट कर अधमरा कर दिया। घटना रात करीब 1 बजे की है। रेस्टोरेंट संचालक रेस्टोरेंट बंद करके साफ सफाई कर रहे थे। इस दौरान कुछ लोग आए और खाना मांगने लगे। उन्होंने जब खाना न होने की बात कही तो वो धमकी देने लगे। इस दौरान आरोपियों ने संचालक को पीट पीट कर अधमरा कर दिया और रेस्टोरेंट में भी जमकर तोड़फोड़ की। आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। अगली खबर, रद्द हुई वन दरोगा भर्ती को लेकर। वन दरोगा भर्ती रद्द होने से नाराज अभ्यर्थियों का सोमवार को सड़क पर दिखा। अभ्यर्थियों सीएम आवास कूच करने पहुंचे तो पुलिस ने यहां उन्हें रोक लिया। वन दरोगा भर्ती में चयनित अभ्यर्थी इस दौरान अपनी मांग पर अड़े रहे तो पुलिस के साथ उनकी नोकझोंक भी हुई। अब अभ्यर्थियों ने वन मंत्री सुबोध उनियाल से न्याय की गुहार लगाई है। अभ्यर्थियों की ओर से नियुक्ति पत्र देने की मांग की गई है। नशीली दवाइयों की तस्करी कर रहे 2 सगे भाइयों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। सोमवार को पुलिस उपाधीक्षक ने नेतृत्व में ANTF और पुलिस ने संयुक्त चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान सिब्बल सिनेमा के सामने खाली मैदान रुद्रपुर से 2 सगे भाइयों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस ने दोनों के खिलाफ NDPS एक्ट में केस दर्ज किया है। उनके पास से 177 प्रतिबंधित इंजेक्शन बरामद हुए। अभियुक्तों ने बताया कि वे प्रतिबंधित इंजेक्शन मुरादाबाद से लेकर आते हैं।
बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय इन दिनों राजनीति का अखाड़ा बनता जा रहा है। पहले विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर सत्यपाल सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दिया। इसके बाद आर्य प्रतिनिधि सभा के कुलाधिपति के विश्वविद्यालय विरोधी आचरण को देखते हुए उन्हें तत्काल पद से मुक्त कराने के आदेश जारी कर दिए। इसके बाद अब वर्तमान कुलपति की कुर्सी पर भी खतरा बढ़ गया है। इसका असर अब न केवल विश्वविद्यालय की छवि बल्कि यहाँ की शिक्षण व्यवस्था पर भी पड़ना शुरू हो गया है। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहें देवभूमि इनसाइडर। आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर ऐप।